हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। अच्छा लग रहा है बड़ा। तो सुबह के 4 बजे हम निकल गए अपने घर से बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए। सुना है कि बेंगलोर एयरपोर्ट काफी सुंदर बन गया है, तो चलिए हम भी देखते हैं। हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 बेंगलोर एयरपोर्ट। और ये जो पूरा एयरपोर्ट है ना, वो गार्डन थीम पे डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इसको टर्मिनल इन अ गार्डन का नाम दिया गया है। यहाँ पे ले रहे हैं हम प्रिंट अपने बोर्डिंग पास का। और पहले तो ये होता था कि आपको जा कर के वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लोग बैठे होते थे उनसे लेना होता था। अभी भी वो लोग वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बट ये अच्छा हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है। इससे टाइम भी बच जाता है कि आप खुद ही अपना बोर्डिंग पास का जो प्रिंट है वो खुद ही ले सकते हो। बट स्कूल आईडी कार्ड नहीं लेके आए हो तो वो एंटर नहीं करने देंगे ना, कैसे जाओगे अंदर? स्कूल के लिए नहीं होता है, एयरपोर्ट के लिए ना पास रहते है। पास कहाँ है इसमें? लेकिन मेरे को देखो, हमारे पास सबका आईडी कार्ड है। आपका कहाँ है? हमारे पास तो है आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप तो, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, मैं बड़ा, तो इसीलिए तो आपका स्कूल आईडी कार्ड चाहिए। अरे चलो, ज्यादा मत डराओ। हाँ चलो, ज्यादा मत डराओ, गजब बेइज्जती है। वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप गेस करके बताइए, कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है कि इतना सारा लगेज लेकर के हम कहाँ जा रहे थे, ये वीडियो कब की है, तो कमेंट कीजिएगा। सच में यार, ये एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, एक बार तो विजिट करना बनता है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम किसी एयरपोर्ट के अंदर है। ऐसा लग रहा था कि हम किसी गार्डन में आ गए हैं, इंडोर गार्डन। काफ़ी अच्छा, बहुत सारे बैम्बूज का इस्तेमाल किया गया है इसको डेकोरेट करने के लिए, और काफ़ी सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स, नेचुरल प्लांट्स का यूज़ किया गया है। मोस्टली आप देख सकते हैं नेचुरल प्लांट्स का ही यूज़ किया गया है। इसको मेंटेन करना कितना मुश्किल होता होगा ना। और यहाँ पे देखिए, एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे बेंगलोर एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा लाउंज, और चलिए हम चलते हैं और आपको देते हैं लाउंज का टूर। ये सैंडलियर कितना ह्यूज और कितना सुंदर था ना। और यहाँ हम एंटर कर चुके हैं, ये है रिसेप्शन लाउंज का। और यहाँ पे भी सैंडलियर देखिए कितना ही खूबसूरत लगा हुआ है। ओह नो, यहाँ पे हमारा पोपट हो गया। हम जो कार्ड लेके आए थे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से हमें एक्सेस नहीं मिल पाया लाउंज का। तो मैं आशु को वही बोल रही थी कि आशु चलो अब मैं गुजिया नमकीन जो लेके आई हूँ वो खाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उन्होंने चेंज कर दिया है 1 मंथ पहले, तो वो हमने
चेक नहीं किया था तो इसलिए हम लाउंज एक्सेस नहीं कर पाए हैं, और अभी हमारे पास 1 घंटे है तो देखते हैं, हम थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे। और आशु बहुत अपसेट हो गया है क्योंकि हम लाउंज एक्सेस नहीं कर पाए, वो बहुत एक्साइटेड था उसके लिए। सो इट्स फाइन, देखते हैं। आपको ये लगा कि फ्लाइट छूट गया, फ्लाइट मिस हो गया, इसलिए रो रहे थे? मैं तो सबको बता रही थी कि हमारा लाउंज एक्सेस मिस हो गया, तो इसके लिए आप रो रहे थे, इसलिए आप अपसेट हो? नहीं, वो ना समझदार बच्चा है। फ्लाइट चलो चलो कुछ ले के आई हूँ ना, खाने का, खाने का, खाने का चल ना। आप यहाँ पर बैठे हो, मैं गई वॉशरूम में और वहाँ पे मैं इधर हाथ दे रही हूँ तो वो ड्रायर है, इधर हाथ दे रही हूँ साबुन निकल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पानी कहाँ है भाई, दोनों तरफ ड्रायर है, एक तरफ वो है उसमें भी सोप आ रहा है, पानी कहाँ है? फिर मैंने बंदी से पूछा बगल में थी, मैंने बोला एक्सक्यूज मी विल द वाटर, तो बोलती है इन बिटवीन। आपको पता था? यस, आशु इज अ स्मार्ट बॉय। चलो लेट्स गो टू हिमालयस। हिमालयस, आशु हिमालयस। नो हिमालयस, हिमालयस, नो हिमालयस। कहाँ सनराइज हो रहा है? वो दिख नहीं रहा है, इस साइड से सनराइज हो रहा है, कहाँ दिख रहा है? देखो सामने। हिमालयस क्यों जाना है जब कुछ खरीदेंगे नहीं तो? देखना। तो आशु यहाँ पे दौड़ गया हेमलेस, हमने बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की बट ये चल दिए भाई साहब। और ये पता है, ये ना कंफ्यूज हो जाता था पहले, हेमलेस को हिमालयस बोल देता था, इसलिए हम वो मस्ती कर रहे थे हिमालयस हिमालयस करके। और ये देखिए, इसको मिल गया पियानो और माइक, अब ये इंजॉय करेगा इसको। सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। Can you please? हाँ, can you please sing? Are you going to play the piano? Can you please say it and play it? Yeah. First, introduce yourself. So, कैसा लगा ये छोटा सा हमारा व्लॉग? आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।